जय हिंद मेरे दोस्त, मेरा नाम है सीए जयगुलिया और कपिल जैन सर हमारे साथ हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ डीवेट के बारे में या पूरे ऑल ओवर इंडिया जो वैट था हमारा जीएसटी से पहले जो वैट था उसके बारे में सर आज डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है कि डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेज आ रहे हैं सर जी। बहुत से बंदों का क्या था, या तो उन्होंने सी फॉर्म सबमिट नहीं कराए थे डिपार्टमेंट में। वैट के टाइम पे जो सी फॉर्म होते थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब हम माल भेजते थे तो उस टाइम पे एक सी फॉर्म होते थे, तो किया तो उन्होंने डिपार्टमेंट में वो सबमिट नहीं कराया सी फॉर्म, या फिर किसी की डिमांड निकली हुई है। अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सर कि नोटिसेज भेज के और उनके बैंक अकाउंट अटैच कर दे रहा है। तो अब दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे कि पहली बात तो क्या ये नोटिसेज वैलिड है या इनवैलिड है, और क्या बैंक अकाउंट अटैच करना, क्योंकि बैंक अकाउंट अगर किसी का अटैच कर दिया, सीज कर दिया, तो उनकी किसी को पे नहीं कर पा रहे हैं, वो अकाउंट में पैसा आ सकता है जा नहीं सकता, क्रेडिटर को नहीं पे कर पाएंगे, किसी और को पेमेंट करनी, किसी की किस्तें चलती हैं, तो बहुत सी दिक्कतें होने लगेंगी। तो सर क्या बताएं कि ये नोटिसेस ठीक हैं, और ठीक है तो किस हद तक ठीक है, बैंक अटैच करना क्या सही है क्या गलत है, सर थोड़ा सा बताएं। देखिए गुलिया जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो वैट हो चाहे वो जीएसटी हो, उसके अंदर कुछ सेक्शन ऐसे बनाए जाते हैं कि जिन सेक्शन को यूज करके गवर्नमेंट ऑफिसर अगर चाहे तो अपनी अर्निंग कर सकता है। मैं सारे ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऑफिसर्स की, उन सेक्शनों को यूज करके वो अपनी दाल रोटी मटर पनीर के साथ भी चला सकता है। अब वो कैसा है मैं आपको बताऊँ, मैं अभी दिल्ली वैट की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली वैट की बात कर रहा हूँ। हमारे कई क्लाइंट है जो वैट में थे फिर जीएसटी में आए, तो जीएसटी को आए हुए 5 साल हो गए, वैट को ख़त्म हुए 5 साल हो गए। तो हुआ क्या कि वैट के अंदर क्या था कि भाई आपको सी फॉर्म जमा कराने या कोई आपकी डिमांड है, तो कई डिमांड अगर आप देखोगे वो ऐसे ही डिमांड बनी हुई है, वो जेन्युइन डिमांड नहीं है, बिना सिर पैर के डिमांड है। लेकिन होता क्या है, जब आप उस डिमांड के खिलाफ अपील जमा करते हो, ठीक है ना, तो अपील के अंदर ही, ठीक है ना, अपील के अंदर ही 10 मिनट में आपको ऑर्डर आ जाता है। वो ऑर्डर चाहे तो ऊपर ऑफिसर भी कर सकते हैं। इस बार तो डी वैट में कंपटीशन लगा हुआ है, पहले क्या होता था एक चीज एक ही व्यक्ति कर पाता था, अब क्या कह रहे हैं एक चीज ना कई व्यक्ति कर रहे, कह रहे मेरे से करा लो। मैंने पूछा किससे कराना सही है, वो कह रहे जिससे आपकी सेटिंग है उससे करा लो, जिसके रेट सही लगे, जिसके रेट आपको सही लगे उससे करा लो। मतलब बड़ा अचंभित बात है। अब ये क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट अटैच कर दिया। चलो मैंने माना आपकी डिमांड ठीक है, ठीक है, आप नोटिस भेज रहे हो, क्लाइंट आता नहीं है, तो इन्होंने क्या कर दिया, लास्ट ऑप्शन इन्होंने कहा बैंक को अटैच कर दो। अब जैसे वो बैंक अटैच हो जाता है तो क्लाइंट की पेमेंट तो आ जाती है उसमें इनकमिंग, लेकिन पेमेंट दे नहीं सकता। जब तक वो पेमेंट नहीं देगा तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा, उसके लोन चल रहे होंगे, वो डिफॉल्टर हो जाएगा, उसका सिविल डाउन हो जाएगा। तो क्लाइंट क्या करता है, आनन फानन में आता है और कहता है भाई साहब कुछ भी करो लेकिन बैंक को हमारे को ओपन करवा दो, मतलब डिटैच करा दो। जब हम डिपार्टमेंट जाते हैं उन्होंने भी रेट सिस्टम तय कर लिए, उन्होंने कह दिया कि ऐसा है कि अगर आप अपील फाइल करके सिर्फ रिसीविंग लेकर आओगे और हमसे कहोगे बैंक डिटैच कर दो तो कर देंगे, लेकिन एक्स अमाउंट ले लेंगे, और अगर आप डिमांड को जीरो करा के लाओगे तो लेंगे तो हम तब भी। तो ये जो समस्या है ना ये बड़ी गंभीर है, ये बात मैं ओपनली इसलिए कह रहा हूँ कि सारे ऑफिसर नहीं, एक दो ऑफिसर ऐसा करते हैं। हालांकि सुनने में आया कि पीछे तो इन्वेस्टिगेशन भी हुई इनकी डिपार्टमेंट, हाँ डिपार्टमेंट में दिक्कत भी हुई, 3-4 दिन तो काम ही नहीं चला वो, लेकिन ये गलत है। अगर आपके पास समय है, टाइम है आपके पास, तो आपको कोई पैसा नहीं देंगे। मैं अगर बात करूँ तो कई जगह पर हम जाते हैं तो वो कहते हैं जी टाइम लगेगा, जैसे हमने आज अपील फाइल करी तो उसकी हेयरिंग दे दी कि भाई 15 दिन बाद हेयरिंग होगी। अरे 15 दिन बाद आप हेयरिंग की डिटेल दे रहे हो, डेट दे रहे हो, उसके बाद ऑर्डर पास होगा, उसके बाद बैंक डिटैच होगा, तब तक तो उसका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो ये बैंक को अटैच करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। कई केसेस में ऐसा है कि जो डिमांड बेकार वाली है, मिसमैच वाली है, ठीक है ना, उसमें टेक्निकल वजह से मिस्टेक है। तो इन चीजों को ना क्या करना चाहिए, डिपार्टमेंट को इसे खत्म करना चाहिए। कैसे खत्म कर सकती है, अभी आप डिपार्टमेंट में जाके देखो भीड़ लगी हुई है, एक एक डिपार्टमेंट पे इतना इतना वर्कलोड है, और आप ईमानदारी से बात बताऊं मैं आपको, अगर डिपार्टमेंट में कोई आ ही नहीं रहा ऑफिसर्स या कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, ठीक है, तब तो वो काम कर देंगे,
आपसे कुछ लेंगे नहीं, लेकिन जब भीड़ इतनी ज़्यादा है तो हर व्यक्ति कह रहा है कि तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल चल जाता है, तो वहाँ पर वो कुछ लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। अब सर कहीं ना कहीं क्या है कि जैसे डिपार्टमेंट वाले मांगते हैं पैसे, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट की भी गलती होती है, वो ये कहते हैं हमसे कुछ अमाउंट ले लो लेकिन हमारा चालू कर। अरे क्लाइंट क्या करे, क्लाइंट को तो पता है उसकी 4 तारीख को EMI लगेगी, अगर वो EMI कट गई तो वो उसका सिविल डाउन हो जाएगा, अगर उसने अपने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं दी तो वो आगे माल ही नहीं देगा। तो यहाँ पर बिजनेसमैन की तो मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। अब आप अगर सी फॉर्म की बात करो तो कई बार ऐसे भी केस सुनने में आते हैं कि सी फॉर्म थे ही नहीं, ऐसे ही सी फॉर्म डाल दिए, केस हो गया, काम खत्म। अरे जिस क्लाइंट के सी फॉर्म है, 90% सी फॉर्म है, 95% सी फॉर्म है, अगर वो आपको जमा कर दे रहा है, क्योंकि सी फॉर्म लोग जमा क्यों नहीं करते थे, वो ये सोचते थे कि भाई आ जाए सारे ही सी फॉर्म आ जाए तभी इकट्ठा हम केस करा लें, इस वजह से वो सारी पेंडेंसी थी, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता था कि अपनी जेब से टैक्स जमा करे। तो ये मुझे नहीं पता दिल्ली में तो ये चल रहा है इस टाइम पे, बाकी स्टेट्स में आप लोग कमेंट करके हमें बताना कि बाकी स्टेट में भी ऐसा चल रहा है क्या। सर अभी भी दो बात, ये तो हमारा जनरल व्यू हो गया कि जी चलो मॉरल व्यू है कि ये बात गलत है, अकाउंट किसी के भी अटैच करना किसी के साथ गलत है, तो क्या ऐसा प्रोविजन वैट में था कि वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, या फिर जो अभी GST है क्या इसमें ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कुछ ऐसा? नहीं, GST के अंदर भी है ये प्रोविजन और VAT के अंदर भी था, लेकिन ये लास्ट एक्शंस होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर क्लाइंट का बैंक अकाउंट अटैच कर रहे हो, इतनी सीरियस कंडीशन आ गई, फिर जैसे ही क्लाइंट ने अपील फाइल करी और आपको रिसीविंग दी तब तुमने एकदम डिटैच कर दिया कुछ लेकर, ये तो गलत हो गया ना। या अगर आप सी फॉर्म के केसेस कर रहे हो तो वहाँ पर जो आप मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की, तो वो तो एक गलत है ना। बिजनेसमैन कहाँ कहाँ तक देगा, वो प्रोफेशनल को फीस देगा, वो डिपार्टमेंट का खर्चा देगा, रिफंड पे परसेंटेज बना रखी है कि अगर किसी का रिफंड है तो ये परसेंटेज दे दो। अरे भाई क्यों ले रहे हो परसेंटेज, ये तो तुम्हारा काम है। ऊपर से जो ऊपर ऑफिसर है वो कह रहे हैं रिफंड दो क्लाइंट को, फोन कर करके कह रहे हैं कि क्लाइंट को रिफंड दो, क्लाइंट का रिफंड है तुम देते क्यों नहीं, उसे बुलाओ फोन कर करके। उन्हें कौन बताए कि क्लाइंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज फिक्स। मैं आपको बता रहा हूँ, कई मेरे क्लाइंट ऐसे होते थे कि उनका रिफंड होता था 2 लाख रुपए का, लेकिन उन बेचारों पर ना परसेंटेज देने के लिए नहीं होती थी, 10% 20%, उन पर उतने पैसे नहीं होते थे, उनके रिफंड 4-4 साल अटक गए। अरे अगर उसे 2 लाख रुपए पहले मिले होते 4 साल पहले उसके रिफंड के, तो वो अपना बिजनेस नहीं कर लेता, कुछ यूज नहीं कर लेता। तो इन्हें ये लगता है कि जो रिफंड दे रहे हैं ये हम अपनी जेब से दे रहे हैं, ये तो फ्री में मिल रहा है रिफंड, तुम्हें मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई उस क्लाइंट ने 5 साल तक वो पैसा ब्लॉक रहा, उसका इमोशनल इंटरेस्ट खत्म हुआ है, बहुत सी चीजें हुई है 5 साल के दौरान, बिल्कुल फ्री का पैसा तो बिल्कुल नहीं क्लाइंट का। लेकिन मेरा मानना यह है अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आपके पास समय है, क्योंकि समय की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप मत दो 1 भी रुपया, आप बैठे रहो सुबह से शाम तक बैठे रहो, फिर वो एक पेपर चेक करेंगे कहेंगे ये कमी है, फिर अगले दिन फिर सुबह से शाम तक बैठे रहो अब ये कमी है, फिर अगले दिन ये कमी है। और अगर आप पैसे दे देते हो वो कहता कोई बात नहीं तुम घर पे बैठो हम तुम्हारे ऑर्डर निकाल के रखेंगे, तुम टेंशन मत लेना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूटी देते हो, यूटी मतलब अंडर द टेबल देते हो, तो आपका काम तुरंत हो जाएगा, जो भी अमाउंट है आपकी रिफंड आपको तुरंत मिल जाएगा बिना किसी फॉर्म के। अगर कोई दिक्कत भी है, अगर माइनर सी दिक्कत है या बड़ी दिक्कत है, वो डिपार्टमेंट अपने आप एडजस्ट कर देगा। हाँ। बस उनको फिक्स परसेंटेज या फिक्स अमाउंट उनकी है जो उनको पे कर दो, अपार्ट फ्रॉम सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी तो उनको दे ही रही है, वो तो दे ही रही है, 50-70-80 हजार रुपए मिलती है उन्हें सैलरी, ठीक है, क्योंकि वो इतने हक से मांगते हैं। कुछ ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, फीस का नाम दिया हुआ है, कि फीस तो लगेगी जी इसकी, तो वो इतने हद से मांगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सैलरी मिलती है, ठीक है ना उन्हें। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पॉइंट सही है, वैलिड है, इनवैलिड है, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा। कई लोग मेरे से नाराज होंगे इस बात को लेकर कि आप कैसी बात कर रहे हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, लेकिन इसे कहता कोई नहीं है। इस YouTube में कमेंट में सब लोग लिख के कह देंगे हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कोई टैग नहीं करता फाइनेंस मिनिस्टर को, कोई टैग नहीं करता GST ऑफिसर्स को, कोई सवाल ही नहीं पूछता जी। हो रहा सब कुछ है लेकिन पूछता नहीं है, हो रहा सबके साथ है सर। सब डरते हैं ना कि कहीं उनके क्लाइंट के अगेंस्ट या किसी और क्लाइंट के अगेंस्ट कुछ एक्शन, तो मेरे को भी तो डर लगना चाहिए। लेकिन भाई देखो डर लगता है मुझे भी, मेरे भी घर वाले कहते हैं तुम क्यों बोलते हो, लेकिन ना कई बार ना बुरा लगता है। कई बार क्या होता है ना क्लाइंट्स की दर्द
दशा को देख कर ना बड़ा मतलब तरस आता, यार इसने करा क्या, इसने ऐसा क्या क्राइम कर दिया, हर जगह से पैसे लिए जा रहे, ठीक है इससे हर जगह से पैसे लिए जा रहे, तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। कई ऑफिसर तो मेरे से कहते तुम भी तो लेते हो पैसे, अरे मैं तो फीस ले रहा हूँ यार अपनी मैं तो काम कर रहा हूँ उसकी फीस ले रहा हूँ, अभी सरकार तनख्वाह थोड़ी दे, हमें कौन सा सरकार तनख्वाह दे रही है इस यूट्यूब बनाने की, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप अपना व्यूज इसमें दीजिएगा, और बाकी मैं आपको बता दूँ ठीक है ना, हमारे पास तो इनकम का सोर्स है, हमने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव पर आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो 15 दिन का डिस्काउंट है, 15 अगस्त का डिस्काउंट है, रक्षाबंधन का डिस्काउंट है, जन्माष्टमी का डिस्काउंट है, काफी डिस्काउंट, ठीक है काफी डिस्काउंट है। तो अगर आपने अभी तक हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव नहीं ली, क्योंकि ये जो आप वैट में फेस कर रहे हो ना, हो सकता है जीएसटी में भी फेस करो, बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 61 में आपकी असेसमेंट होने वाली है, अगर आप उन वीडियोज को देखोगे तो हो सकता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और आप डिपार्टमेंट के इन प्रभावों से कुछ हद तक बच सको, ठीक है ना। ड्राइव का जो पैसा वो ना दो, जो आपको कानून पता है उसके बेस पे आप जाके आप अपना हक लड़ो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भले ही लग जाए, लेकिन ये कि आपको रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, आपका पैसा सेव हो जाएगा। नहीं अब मैं ये नहीं कहता कि नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन एक ढाल मिल जाती है जब आपको सेक्शंस पता होते हैं, सारी चीजें पता होती है, तो एक ढाल मिल जाती है कि गवर्नमेंट के साथ सामने वाले को भी लगता है कि बंदे को नॉलेज है, कुछ ना कुछ पढ़ के आया है, जी जी वो ऐसे ही आपसे बिल्कुल नहीं मांग सकते। जी जी चलिए ठीक है सर, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आज की वीडियो के जरूर कमेंट करके नीचे बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।